आज सुबह एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, इसमें गौ तस्करों का एक ग्रोह है। तो पिकअप गाड़ी है और संभल के थाना असमोली इलाके में सुबह गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। असमोली थाना इलाके के गुमसानी के जंगल में हुई गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार सैफ अली खान और शान मोहम्मद नाम के गौ तस्करों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके पास से एक पिकअप और एक कार भी बरामद की है। पिकअप से एक जिंदा गाय भी बरामद की गई है। इसके अलावा अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस बाबत SP संभल चक्रेश मिश्रा ने बताया कि पूर्व में भी इस गैंग के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये बदमाश संभल, मुरादाबाद और अमरोहा जनपदों में गौ तस्करी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इस बाबत SP संभल चक्रेश मिश्रा ने विस्तार से जानकारी दी है। थाना असमोली के अंतर्गत ये गुमसानी के पास में भैसोड़ा मार्ग पर आज सुबह एक पुलिस मुठभेड़ हुई है। इसमें गौ तस्करों का एक ग्रोह है, जिसके द्वारा थाना असमोली में जनपद संभल के अंतर्गत तथा थाना पाकवाड़ा, जनपद मुरादाबाद, अमरोहा तथा अन्य जनपदों में भी गौकशी की कई घटनाओं को कारित किया गया है। हमारे जिले की तथा मुरादाबाद पुलिस की टीम भी इनके पीछे लगी हुई थी। अमरोहा पुलिस भी इनके काफ़ी दिनों से तलाश कर रही थी। आज सुबह जब ये हम लोगों को जानकारी मिली कि ये यहाँ पर एक कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आए हुए हैं, तो पुलिस के द्वारा इनकी घेराबंदी की गई। जब इनको सरेंडर करने के लिए कहा गया तो इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया, जिसमें हमारे कांस्टेबल के हाथ में घायल हुआ है, उसको चोट लगी है। जवाबी फायरिंग में इनमें से दो बदमाश, जिनका नाम, एक का नाम सैफ अली खान, ये थाना असमौली जिला संभल का रहने वाला है, तथा दूसरा शान मोहम्मद, जो थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद का रहने वाला है, इन दोनों के पैर में गोली लगी है। इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। इन दोनों के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। इसमें SOG की टीम के द्वारा तथा थाना असमौली की पुलिस के द्वारा इनका जो बाकी गैंग है उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अभी कॉम्बिंग की प्रक्रिया चल रही है। इनके पास से दो अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं, साथ में कुछ कोके और कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके साथ में एक पिकअप ट्रक और एक इको वैन, ये इनके पास से बरामद की गई है। एक गाय भी अभी इनके पास से बरामद हुई है। इन सभी चीज़ों की विस्तृत जांच की जा रही है। इनसे विस्तृत पूछताछ करके जो इनके अन्य गैंग मेंबर हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कॉम्बिंग की प्रक्रिया चल रही है और साथ में इन लोगों के ऊपर आगे गैंगस्टर की कार्रवाई भी करते हुए विधिक प्रक्रिया को अमल में लाया जाएगा। ये जो दो अभियुक्तों की अभी मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई थी, उसी के में आगे कॉम्बिंग की जा रही थी, जिसमें कॉम्बिंग के दौरान चार अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक थाना डिडौली जनपद अमरोहा का है, एक इनमें से जो दो अन्य हैं वो मुरादाबाद जिले के ही रहने वाले हैं, और एक थाना बिलारी मुरादाबाद का है। इस प्रकार से कुल 6 लोगों का गिरोह ही अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।